चलिए अभी अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। अपन यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। नाम तो वो तो सेम नाम से बन जाएगी ना, बताइए क्या नाम दे दी। नहीं दे ऐसी ऐसी खिलाई मुझे बता रहे, मैं नहीं बताऊंगी। कंपनी का नाम दे दे, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं ऐसा कोई नाम नहीं दे रहा। नहीं हाँ महाकाल दे सकते हैं, महाकाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सेम नाम से तो बन जाती है ना कंपनी। देखिए प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग ये होते हैं एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका भुगतान या तो एडवांस कर दिया है या देना बाकी है। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने एंट्री पढ़ी थी एक्सपेंसेस वाली, उसमें आपको क्या पसंद थे? सैलरी पे, सैलरी का भुगतान कर दिया तो आप एंट्री किस में करते थे? पेमेंट वाउचर में जाते थे। बाय में आप लगते थे सैलरी और टू में आप लगते थे केस, ये लिखते थे अपने पास से केस जा रहा था, टू में आप लगते थे केस और बाय में आ जाता था सैलरी, एक्सपेंसेस का नाम। लेकिन अब प्रीपेड क्या है? प्रीपेड ऐसे एक्सपेंसेस है जिनका भुगतान आपने एडवांस कर दिया, मतलब कि भुगतान कर दिया, सर्विस लेना अभी बाकी है। जैसे आपका कोई एम्प्लॉय है, उसे आप 1 महीने तक काम करवाते हैं, 1 से लेके 30 तारीख तक, उसके बाद अपन उसे सैलरी देते हैं। लेकिन आपने वो सैलरी उसे मंथ के एडवांस में दे दी, 1 तारीख को ही आपने उसे सैलरी दे दी, अपन ने सैलरी दे दी, अब सर्विस लेना बाकी है, पूरे 1 महीने तक वो अपने काम करेगा, मतलब भुगतान कर दिया, सर्विस लेना अभी बाकी है, वो क्या हो जाता है? प्रीपेड। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका भुगतान कर दिया, सर्विस लेना अभी बाकी है, वो होते हैं प्रीपेड। और ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी सर्विस ले ली है लेकिन भुगतान करना अभी बाकी है, प्रीपेड क्या होता है? भुगतान कर दिया, सर्विस लेना बाकी है। लेकिन आउटस्टैंडिंग होता है जिसके लिए अपन ने सर्विस तो ले ली लेकिन भुगतान करना अभी बाकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको तो जैसे रेंट पे चलना है, आपने 1 महीने तक पूरे रूम पे यूज किया, अब अपन को उस रूम से रेंट पे चलना था 30 तारीख को, क्योंकि अपन ने 1 महीने तक उस रूम से यूज कर लिया है, अब अपन को रेंट पे चलना था, सर्विस तो अपन ने ले ली लेकिन अभी अपन को भुगतान करना बाकी है, तो वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? ऐसे एक्सपेंसेस जिनका सॉरी जिनकी अपन ने सर्विस ले ली है और भुगतान करना बाकी है, वो होता है आउटस्टैंडिंग, और जिसका अपन ने भुगतान कर दिया है और सर्विस लेना अभी बाकी है, वो होते हैं ट्रिप। ठीक है, क्लियर रहता है? अब कोई डाउट तो नहीं? अब आप यहाँ पे ALC से लेजा बना लें। जैसे कि आपको सैलरी अपन ने एडवांस पे कर दी, आप यहाँ किसका लेजा बनाइए? प्रीपेड सैलरी का। आप यहाँ पे ALC से लेजा बना लेंगे, सॉरी प्रीपेड सैलरी अकाउंट। अपन सैलरी एडवांस में पे कर रहे हैं तो आपने यहाँ लेजा बनाया प्रीपेड सैलरी, आप इसे अंडर में डालेंगे करंट एसेट में। करंट एसेट में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये चालू संपत्ति है, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी करंट एसेट क्यों है? क्योंकि अपन ने भुगतान कर दिया है, सर्विस लेना अभी बाकी है, तो ये क्या आपने संपत्ति अंडर में किसमें डाल देंगे आप? करंट एसेट में। एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर है इतना? करंट एसेट इसलिए डाला क्योंकि आपने भुगतान कर दिया है, सर्विस लेना अभी बाकी है, अपन को मिलने वाला है, तो वो अपनी संपत्ति है, और जो देना है वो दायित्व है, अभी अपन को मिलेगी ना सर्विस, अपन को मिलने वाली है, तो आपकी एसेट हो जाएगी। क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है आपको? क्लियर है? ठीक, अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं, अपन सैलरी का एडवांस भुगतान कर रहे हैं तो एंट्री आप करेंगे पेमेंट वाउचर में, बाय में आ जाएगा प्रीपेड सैलरी, जितनी सैलरी आप दे रहे हैं अमाउंट डाल देंगे, और टू में आ जाएगा कैश, क्योंकि अपने पास से कैश जा रहा है। ठीक है, पहले आप नॉर्मल एंट्री करते थे, जब अपन सैलरी से पे करते थे क्वेश्चन होता था सैलरी पे, तब बाय में आता था सैलरी, टू में आता था कैश,
अब क्या आएगा बाय में? प्रीपेड सैलरी, और केस आपका टू में आएगा क्योंकि सैलरी अपन एडवांस पे कर रहे हैं। क्लियर है इतना? कोई डाउट हो एंटर करके सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट होता है आउटस्टैंडिंग, जिसका भुगतान करना अभी बाकी है, सर्विस दे दिए लेकिन भुगतान करना अभी बाकी है, उसकी वाउचर एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर। अब जनरल वाउचर में एंट्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें केस का लेन देन नहीं होगा, अभी अपन केस पे नहीं कर रहे हैं, भुगतान करना अभी बाकी है, तो वो क्या है? आउटस्टैंडिंग, इसमें केस का लेन देन नहीं हो रहा, एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर। बाय में आप लिखेंगे आपके एक्सपेंसेस का नाम, अकाउंटिंग का रूल है एक्सपेंसेस का नाम हमेशा बाय में आता है। अल्टा प्लस सी से आप यहाँ पे ले जा बना लेंगे, जैसे अपन बना लेते हैं यहाँ पे कमीशन के नाम पर कमीशन अकाउंट, जैसे कमीशन देना अभी बाकी है, आप पहले बनाएंगे कमीशन, ये अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है कमीशन देना, एंटर करके सेव कर देंगे। बाय में क्या आ जाएगा? कमीशन, कितना देना है? 5,000 मान लेते हैं। टू में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग कमीशन, क्योंकि देना बाकी है। अल्टा प्लस सी से आउटस्टैंडिंग के नाम से ले जा बना लेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, ये आपका अंडर में आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में। अब ये लायबिलिटीज में इसलिए आ रहा है क्योंकि अपना दायित्व है भुगतान करना अभी बाकी है, प्रीपेड में क्या था? मिलना था, आउटस्टैंडिंग में अपन को देना है, अंडर में आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में। एंटर करके से एंट्री हो जाएगी जनरल वाउचर में, बाय में कमीशन, टू में आउटस्टैंडिंग कमीशन, एंटर करके सेव। क्लियर है इतना? इन दोनों में कोई डाउट है तो पूछिए। असेट होती है संपत्ति, लायबिलिटीज होता है दायित्व, ठीक है? आप कोई डाउट है आप लोगों को इन दोनों एंट्री पर? आप जैसे इन दोनों एंट्री का ही आपके सामने और भी क्वेश्चन बनते हैं, ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन कि अपन ने या तो सैलरी का एडवांस भुगतान कर दिया या अभी देना बाकी है, सिंपल एंट्री कर रहे थे आप। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन बनता है, आपको रेंट देना था 20,000 रुपये, रेंट देना है अपन को 20,000, जिसमें से 10,000 दे दिया, 10,000 देना बाकी है, तो दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके दो क्वेश्चन है। आपको सैलरी देना था, सॉरी रेंट देना था 20,000, 10,000 दे दिए, 10,000 देना बाकी है, उस कंडीशन में आप इसमें एंट्री कैसे करते हैं? देखिए, या तो आप इसमें दो एंट्री करेंगे, वाउचर एंट्री पे जाएंगे, एक एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में, रेंट अपन पे कर रहे हैं तो बाय में आ जाएगा रेंट, अल्टा प्लस सी से रेंट का आप ले जा बना लेंगे रेंट अकाउंट, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप यहाँ अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट डालेंगे? जितना अभी अपन पे कर रहे हैं, 20,000 देना था लेकिन दे कितना रहे हैं अभी अपन? 10,000। टू में आ जाएगा केस, अपने पास से केस कितना जा रहा है? 10,000। आप यहाँ पे सिंपल एंट्री यहाँ पे कर लेंगे, पेमेंट वाउचर में बाय में रेंट, टू में केस, एंटर करके सेव। अब 10,000 रेंट देना अभी बाकी है, वो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग, एंट्री आप कर देंगे F7 से जनरल वाउचर में, बाय में आ जाएगा रेंट, कितना देना बाकी है? 10,000, और टू में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, अल्टा प्लस सी से यहाँ पे ले जा बना लेते हैं। ये अंडर में आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में, ये इसमें अमाउंट आ जाएगा 10,000, एंटर करके आप सेफ कर लेंगे, कर लेंगे आप ये एंट्री। अब अभी आपने देखा दोनों एंट्री अपन ने अलग अलग की, एक पेमेंट वाउचर में एक जनरल वाउचर में, अगर आप चाहते हैं दोनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में हो जाए, मतलब टोटल रेंट देना था 20,000, अपन ने अलग अलग की, 10,000 दे दिया तो पेमेंट वाउचर में, 10,000 देना बाकी है तो जनरल वाउचर में, अगर आप चाहते हैं दोनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में हो जाए तब आप एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे? पेमेंट वाउचर, F5 से पेमेंट वाउचर। अपन को क्या पे करना है? रेंट, एक्सपेंसेस है, दोनों ही कंडीशन में रेंट आपका बाय में आता है, ठीक है? आप यहाँ डाल देंगे टोटल अमाउंट, कितना पे करना है आपको? टोटल 20,000। अब आपने केस कितना दे दिया है? 10,000 नहीं, केस अपन ने दिया है 10,000,